सभी देवताओं को ऐसा पाठ सिखाई जो ये कभी भुला ना सके। मिटा दीजिए इन्हें। अब मेरे पांव तले कुछ ले जाओगे तो हम सभी। मुझे आभास हो रहा है कि देवगण किसी बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। कदाचित अब मुझे ही कुछ करना होगा। इतनी तुच्छ शक्तियों का इतना गर्व तुम्हें कि तुम स्वयं को भगवान से भी समर्थ मानते हो। मेरी ऊर्जा से उत्पन्न मेरे दिव्य बाण से इतनी सरलता से अपना बचाव कैसे कर लिया इसने? ये कैसे हो सकता है? मेरा बाण नष्ट कर दिया इसने। किंतु अब सर्वशक्तिमान भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर पर वार करने की अपनी इस उद्दंडता का दंड तो तुम्हें भुगतना ही होगा। अभी क्या अभी सभी तुच्छ देवता स्वयं उपस्थित हो गए। बहुत अच्छा किया जलंधर, प्रसन्न हुआ। मेरे आदेश की समय सीमा समाप्त होने वाली थी, इसीलिए आया हो ना मेरे शरण में। किंतु सूर्य देव ने मेरे आदेश का उल्लंघन किया, जिसका उचित दंड देकर मैं अभी इसका हक मिटा सकता हूं। किंतु भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर तुम्हें एक अवसर देता है इंद्रदेव, समझाओ सूर्यदेव को। सूर्यदेव को समझाने नहीं, तुम्हें चेतावनी देने आया हूं मैं। हट जाओ सूर्यदेव के मार्ग से। क्या कहा तुमने? तुम मुझे चेतावनी देने आए हो? हाँ, तुम्हें को कह रहा हूं, बंद करो ये भगवान बनने का ढोंग और हट जाओ सूर्यदेव के मार्ग से और उन्हें अपनी दिनचर्या पूर्ण करने दो। सावधान, मेरी दयाल तो अब क्षीण पड़ती जा रही है, जागृत हो रहा है भगवान सर्वश्रेष्ठ जलंधर का क्रोध। अस्त्र प्रहार करोगे मुझ पर, तुम भी अपनी शक्ति का प्रयोग करके देख लो देव राजेंद्र। बस बात हुआ जलंधर, हमारा शीश अपने समक्ष झुकाने के लिए तुमने सूर्यदेव का मार्ग रोकने का दुस्साहस किया है, किंतु ज्ञात रहे एक श्वान सिंह का चर्म क्यों ना पहन ले, वो कभी भी सिंह नहीं बन सकता। उसी प्रकार स्वयं को महादेव बोल लेने से तुम महादेव नहीं बन जाओगे। तुम्हारे महादेव होने का ये स्वान अभी नष्ट होगा इसी क्षण। उचित कहते हो तुम, स्वांग अवश्य समाप्त होगा, किंतु मेरा नहीं, उस महादेव का जो मेरे समान दिखाई देते हैं। इसका अर्थ ये नहीं कि वो भगवान है, तुम्हारा वास्तविक भगवान मैं हूं और तुम सभी तुच्छ देवताओं अपने पद पर स्थापित रहना चाहते हो तो मेरे समक्ष झुक के रहो या अभिवादन करो, अन्यथा ऐसी ताड़ना दूंगा तुम्हें कि सत्य और सत्य का स्वयं ज्ञान हो जाएगा। तुम अपनी इस आसुरी प्रवृत्ति के कारण ही एक भगवान का अपमान कर रहे हो, किंतु तुम भगवान तो क्या, उनके भक्त बनने के भी योग्य नहीं हो। तुम्हें उचित पाठ पढ़ाना अत्यंत आवश्यक है। भी
शक्ति को कैसे रोका उसने? ये नहीं हो सकता। असंभव है ये। असंभव कुछ भी नहीं मेरे लिए। ईश्वर भगवान हूं, सर्वशक्तिमान हूं, सर्वश्रेष्ठ हूं, सब कुछ संभव है मेरे लिए। कैसा दंड देता है? आओ देवराज, सांस से तो टकराओ मुझसे। प्रणाम भैया। प्रणाम कार्तिक जी। गणेश, सूर्यदेव अभी तक आकाश में प्रकट नहीं हुए। मेरी समझ में नहीं आ रहा है कि आज भोर होने में इतना अधिक समय क्यों लग रहा है। हाँ भैया, मुझे भी यह आभास हुआ है। सूर्यदेव का उदित ना होना किसी बहुत बड़ी अशुभता का संकेत है। संकट समक्ष है ये तो मैं भी समझ रहा हूँ अनुज। मैं तो पिताजी को बताना भी चाहता था किंतु वो ध्यान मग्न है और बिना किसी बड़े कारण के उनके ध्यान में व्यवधान डालना उचित नहीं होगा। ओ,
कदाचित हमें प्रतीक्षा करनी चाहिए अनुज। यदि कोई महासंकट उत्पन्न होगा तो देवता स्वयं उसकी सूचना लेकर प्रस्तुत हो ही जाएंगे। किंतु भैया, मुझे आभास हो रहा है कि देवगण किसी बड़े संकट में पड़ने वाले हैं। कदाचित अब मुझे ही कुछ करना होगा। जलंधर, अपनी दुर्दशा के लिए तैयार हो जाओ, क्योंकि तुम मेरे परशु प्रहार का सामना कदापि नहीं कर पाओगे। करूंगा तुम्हें। ये क्या, ये कैसे संभव है? इस क्रीड़ा का अंत होगा, अवश्य होगा, अभी के अभी। आप देखो, सर्वश्रेष्ठ जलंधर तुम्हारे भगवान के शक्ति राज। प्रिय बलश्रेष्ठ, इन सभी देवताओं को ऐसा पाठ सिखाई जो ये कभी भुला ना सके। देवों के देव भगवान जलंधर और उनकी पत्नी शक्ति से टकराने का कितना भयंकर परिणाम होता है, ये इन्हें याद करा दीजिए। ऐसा दंड दीजिए आज इन देवताओं को, ये पुनः आपके विरुद्ध जाने का दुस्साहस ना कर सके। उचित कहा तुमने वृंदा। तुम कुछ भी कर लो दुष्ट जलंधर, हम तुम्हें अपना भगवान कभी नहीं मानेंगे, कभी नहीं। सकता मुझे, क्योंकि कर्मों का फल तो भगवान ही देते हैं। यदि मुझे पुनः स्वीकार किया तो उसका दुगना दंड भुगतना होगा तुम्हें। भगवान जलंधर और उनकी शक्ति के समक्ष तुम जैसे दुर्बल देवताओं का देखना
असंभव है और ये जितनी शीघ्र ज्ञात हो जाएगा उतना ही तुम्हारे लिए उचित है। चलो अब उठो तुम सभी। अब ये दुर्बल देवता प्रिय बलश्रेष्ठ के आदेश की अवमानना करने का दुस्साहस नहीं करेंगे। आज से सभी देवताओं का प्रतिदिन अपने कार्य का लेखा जोखा प्रस्तुत करना अनिवार्य है। मुझे जाओ, दूर हो जाओ मेरी दृष्टि से। सूर्यदेव, जाते जाते इतना बता दो कि अपना शीश मेरे समक्ष झुकाओगे ना? तुम जैसे असुर से और अपेक्षा भी क्या की जा सकती है? किंतु तुम भगवान तो क्या, उनके दर्शन योग्य भी नहीं हो। आज तुमने मेरा मार्ग रोककर समस्त सृष्टि को मेरे प्रकाश से वंचित रखा है। इसका परिणाम तुम्हें भुगतना होगा। अभिमानी असुर स्मरण रहे, तुम्हारे कर्मों का फल महादेव स्वयं देंगे। ये बलश्रेष्ठ, ये दुष्ट देवता अभी भी उस पाखंडी का नाम जप रहे हैं। दंडित कीजिए इन्हें, मसल कर रख दीजिए, मिटा दीजिए इन्हें, मिटा दीजिए। क्या हमें इन श्रेष्ठ देवताओं की आवश्यकता है? नहीं, नष्ट कर दीजिए इन्हें, फिर हम अपने असुरों को चुनकर इनके स्थान पर नवीन देवता स्थापित करेंगे। अंत कर दीजिए इनका, अंत कर दीजिए इनका। नष्ट करूंगा इन्हें अभी के अभी। अब मेरे पांव तले कुछ ले जाओगे तुम सभी अभी के अभी। चौंधे आ गए हैं, कुछ दिखाई नहीं दे रहा मुझे। प्रथम पूज्य गणेश जी, विघ्नहर्ता गणेश जी, अकस्मात ही प्रकाश कैसा, जिसने बलश्रेष्ठ की दृष्टि को भी इस प्रकार मंद कर दिया।
प्रथम पूज्य गणेश जी, हमारी रक्षा करने के लिए आपको अनेकों धन्यवाद। सूर्यदेव, सूर्योदय होना शेष है, अभी अपनी दिनचर्या आरंभ कीजिए आप। उचित है गणेश जी, उचित समय पर आकर आपने मेरा नियम भंग होने से बचा लिया। आपको कोटि कोटि नमन, आपको अनेकों धन्यवाद गणेश जी। आकर देवताओं को हमारे बंधन से मुक्त कराकर ले जा सकता है? असंभव, ये नहीं हो सकता। मैं कदाचित स्वयं का एवं बलश्रेष्ठ का यह अपमान सहन नहीं करूंगी। आज आपकी युक्ति मैंने असफल कर दी जलंधर। अब देखते जाइए, अब जब भी आप ऐसे मूर्खतापूर्ण कार्य करेंगे, सदैव आपका सामना मुझसे ही होगा। धर्म की रक्षा के लिए युद्ध में स्वयं की भी क्षति की चिंता नहीं करने वाले ही वीर योद्धा कहलाते हैं।